Hello kids, how are you? I hope that you will be fine. Today I will teach you EVS subject. Our first lesson is my body. Okay? इस lesson में सबसे पहले मैं parts of body के बारे में बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको body की definition बताऊँगी और उसके बाद मैं आपको sense organ के बारे में बताऊँगी. ठीक है बच्चों? Okay, start करते हैं my body and our body parts. This is hair, this is forehead, and this is cheek, this is ear, and this is mouth, this is chin, this is neck, and this is shoulder, this is knee, ankle, and toes. Okay? And this is eyebrow, this is eyes, this is nose, this is finger, this is hand, and this is elbow, and this is stomach, and this is leg, and this is called foot. Very good. Definition: our body is made up of different parts called organs. हमारा जो शरीर है वह different अलग अलग parts से मिलकर बना है जिनको कि हम organ बोलते हैं. They help us to do different things. तो जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे डिफरेंट काम, अलग अलग काम करने में हमारी मदद करने हैं. ओके, नाउ आई विल टीच यू सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन क्या होते हैं और कितने होते हैं? ओके, बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन. तो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स, वह पार्ट्स जो हमको आसपास की चीज़ें फील करने में हमारी मदद करते हैं, उनको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं. ओके, व्हाट इज़ द सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन. ओके, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन आर एज फॉलोज. ठीक है, तो हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा? फाइव. वेरी गुड, फाइव सेंस ऑर्गन. नंबर वन इज आइज, नंबर टू नोज, नंबर थ्री ईयर्स, नंबर फोर टंग, एंड नंबर फाइव स्किन. ओके, द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन, एंड वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन: आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. वेरी गुड, ये है हमारे सेंस ऑर्गन. ठीक है बच्चों, देन नंबर वन इज आइज. आइज क्या फंक्शन करती है? साइट मीन्स देखना, तो आइज हेल्प अस टू सी. नोज़ का फंक्शन होता है स्मेल करना. नोज़ का यानी कि क्या काम होता है? स्मेल. एंड नोज़ हेल्प अस टू स्मेल. ओके, ईयर, ईयर हेल्प अस टू हियरिंग, यानी कि ईयर से हम सुनते हैं. ईयर का क्या काम होता है? सुनना. एंड नेक्स्ट इज टंग. टंग कहाँ है? माउथ के अंदर. ओके, दिस इज़ आवर माउथ, एंड माउथ के अंदर क्या होती है? टंग होती है. तो टंग का फंक्शन क्या होता है? टेस्ट करना. वेरी गुड, तो टंग से हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं. एंड लास्ट वन इज़ स्किन. तो स्किन क्या होता है? हमारा जो बॉडी होती है वो स्किन से कवर होती है. तो हम कोई भी चीज़ फील करते हैं या कुछ भी टच करते हैं तो हम अपने हैंड यानी हाथों से टच करते हैं. तो स्किन का फंक्शन क्या हुआ? टच करना या फील करना. जैसे कि हमारे हाथ से हम कोई भी चीज़ को जब टच करते हैं तो वो हमको बताते हैं ना, जिससे हमें फील होता है कि वह चीज़ बहुत ही रफ़ है या बहुत ही सॉफ्ट है. जैसे कि टेडी बियर आप अपने हाथ में लेंगे तो आपको बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा. तो फील कहाँ से होता है? स्किन से होता है. ठीक है, तो अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताती हूँ. ओके, नंबर वन इज़ आइज. आवर आइज हेल्प अस टू सी. तो जो हमारी आँखें होती हैं वो हमारी देखने में मदद करते हैं या हम आँखों से देखते हैं. वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शेप्स एंड कलर्स. तो आँखों से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग शेप्स को, अलग अलग कलर्स को देख सकते हैं. वी कैन मूव आवर आइज. तो हम अपनी आँखों को घुमा भी सकते हैं. ओके, जैसे कि हम चारों तरफ देखने के लिए अपनी आँखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं ना, वही. ठीक है, तो ये आइज है. आइज का फंक्शन क्या होता है? सी, यानी कि देखना. आइज हेल्प अस टू सी. नेक्स्ट इज नोज. नोज हेल्प अस टू स्मेल. देन आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल.
तो हमारी नाक से हम सूंघते हैं या हमारी नाक हमें सूंघने में मदद करती है। वी कैन स्मेल डिफरेंट थिंग्स विथ आवर नोज, तो हमारी नाक से हम अलग अलग चीज़ों को सूंघते हैं, ठीक है। सम थिंग्स स्मेल गुड वाइल सम स्मेल बैड, तो कुछ चीज़ों की स्मेल हमें अच्छी लगती है तो वो गुड स्मेल होती है, और कुछ चीज़ों की स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती तो वो होती है बैड स्मेल। ओके बच्चों, दैट नोज हेल्प अस टू स्मेल, वेरी गुड, नाक से हम सूंघते हैं ना, गुड। नेक्स्ट इज ईयर, आवर ईयर्स हेल्प अस टू हीयर साउंड, कानों से हम सुनते हैं या कान हमारे सुनने में मदद करते हैं। द साउंड्स मे बी प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, जो साउंड या जो आवाज़ें होती हैं वो प्लीजेंट भी हो सकती हैं, अनप्लीजेंट भी। अनप्लीजेंट मीन्स जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती हैं, और प्लीजेंट मीन्स जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं। एंड वी कैन नॉट मूव आवर ईयर्स, तो हम अपने कानों को इधर उधर घुमा नहीं सकते। आप अपने कानों को ऊपर नीचे नहीं घुमा सकते ना, जैसे आँखों को घुमा सकते हैं तो इस तरीके से हम कानों को नहीं घुमा सकते। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ प्लीजेंट साउंड क्या होती है और अनप्लीजेंट साउंड क्या होती है। प्लीजेंट साउंड जो आपको सुनने में अच्छी लगती है, जैसे कि मंदिर की घंटी बजती है तो आपको अच्छी लगती है ना, आपका कोई म्यूज़िक बज रहा होता है वो सुनने में आपको अच्छा लगता है, तो वो होता है प्लीजेंट साउंड। और अनप्लीजेंट साउंड यानी कि जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, जैसे कि ट्रैफिक होता है जब रोड पर और सभी गाड़ियाँ हॉर्न बजाती हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता ना, तो वो होता है अनप्लीजेंट साउंड। ओके, जिसको कि हम शोर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज टंग, वी टेस्ट विद आवर टंग, तो टंग का क्या काम होता है, टेस्ट करना। वी टेस्ट विद आवर टंग, हमारी जीभ से हम टेस्ट करते हैं। आवर टंग टेल्स अस वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज बिटर श्योर स्वीट और सॉल्टी, तो हमारी जीभ हमें बताती है कि पर्टिकुलर उस चीज़ का स्वाद कैसा है, कि वह चीज़ कड़वी है, खट्टी है, मीठी है या नमकीन है। तो जीभ का क्या काम होता है, टेस्ट करना। तो किसी भी चीज़ का जो टेस्ट वो हमें कैसे पता लगता है, टंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्किन, आवर बॉडी इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्किन, तो जो हमारी बॉडी होती है वह एक लेयर से कवर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। ओके, आवर बॉडी इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्किन, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी पार्ट्स इनसाइड अस, तो स्किन क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प अस टू फील, तो स्किन का क्या काम होता है, फील करना। इट गिव्स अ सेंस ऑफ टच, तो ये हमें टच करने का एक सेंस देती है, जिससे कि हम फील करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पर एक स्किन है तो हम उससे फील कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है। आप ठंडा गर्म भी स्किन से ही फील करते हैं ना, जैसे कि फ्रिज के अंदर कोई ठंडी चीज़ टच करोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ठंडी है। गर्म, जैसे गर्म पानी में हाथ डल जाता है, कोई गर्म चीज़ अपनी स्किन के ऊपर कहीं भी गिर जाती है, चाय फैल जाती है या गर्म दूध फैल जाता है, तो अपने को गर्म गर्म फील होता है ना। तो स्किन का क्या वर्क होता है, फील करना। ओके, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव, आई हैव 5 सेंस ऑर्गन, आईज हेल्प अस टू सी, वेरी गुड, नोज हेल्प अस टू स्मेल, एंड ईयर हेल्प अस टू हियर, टंग हेल्प अस टू टेस्ट, एंड स्किन हेल्प अस टू टच, वेरी गुड। तो ये थे हमारे सेंस ऑर्गन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरनल पार्ट्स एंड एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।